Hey, what's up guys, Anuj here, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मर्जसॉर्ट के बारे में। मर्जसॉर्ट आपकी एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का यूज करती है। मर्जसॉर्ट को आज हम अच्छे समझने वाले हैं, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। ओके, तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एन इक्वल टू 7, मतलब 7 एलिमेंट्स हमारे पास 0 से लेकर 6 इंडेक्स तक, और इसको सॉल्व करने वाले हम यूजिंग मर्जसॉर्ट एल्गोरिथम। तो मर्जसॉर्ट एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये काम करता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के ऊपर। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब पहले आप डिवाइड करते हो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर, और उसके बाद उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के अंदर जो आपकी सब प्रॉब्लम्स होती है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, यही चीज इसको अलग बनाती है आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो एक बार डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने अच्छे से आपको सारे एग्जांपल बता रखे हैं। तो यहां पर क्योंकि हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट के अंदर। तो सपोज करो पहले पार्ट के अंदर 4 एलिमेंट है, दूसरे पार्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, उसके बाद इस 4 वाले को अलग सॉल्व करो, इस 3 वाले को अलग सॉल्व करो। सपोज करो 4 वाले को सॉल्व करने के बाद, 4 वाला ये वाला एरे शुरुआत के 4 एलिमेंट है, ये आपस में सॉर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली ये पीछे के 3 एलिमेंट भी आपस में सॉर्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके से। आपको ये नहीं सोचना किस तरीके से हो रहे हैं। सपोज करो ऐसा हो गया कि जब मैंने इसको डिवाइड किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब इतने पार्ट को लिया मैंने जिसके अंदर 9, 4, 7 और 6 है, और इसको मैंने किसी भी तरीके से आपको सॉर्ट करके दे दिया, मतलब कि मैंने आपको दे दिया 4, 6, 7, 9। और सिमिलरली मैंने इस वाले पार्ट को भी आपको सॉर्ट करके दे दिया, मतलब 315 को मैंने दे दिया आपको 1, 3, 5। इस तरीके से मैंने आपको दो सब एरे में डिवाइड किया और इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। कैसे किया अभी हम सोचेंगे इसके बारे में। हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स का, इन दोनों सब प्रॉब्लम्स का यूज़ करके हम इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? अब बस इन दोनों को मर्ज ही तो करना है, राइट? इस सब एरे को और इस सब एरे को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे? इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 4 और 1 में से छोटा कौन सा है? 1 छोटा है, 1 को लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। 4 और 3 में से छोटा कौन सा है? 3 छोटा है, 3 को लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ा देंगे। 4 और 5 में से छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो 4 को लिख दिया। देन इसको आगे बढ़ा देंगे। 5 और 6 में से छोटा कौन सा है? 5 छोटा है, ठीक है, 5 को आगे, इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर कुछ बचा नहीं। उसके बाद 7 और 9 को यहाँ पर लिख लिया, 6, 7, 9। तो आपका पूरा का पूरा एरे यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका एक लॉजिक होता है मर्ज सॉर्ट के पीछे, कि बेसिकली प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना है और उसके बाद उन सब प्रॉब्लम्स की यूज़ करके अपनी बड़ी वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेना है। तो मैं आपका इसका कोड लिखता हूँ मर्ज सॉर्ट का, उसके बाद उसको रन करते हैं इसके ऊपर, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आएगा किस तरीके से कोड काम कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट का कोड करने वाला हूँ मैं। तो एक फंक्शन आता है मर्ज सॉर्ट नाम का, जो कि आपका एक एरे लेगा और लेफ्ट इंडेक्स लेगा और राइट इंडेक्स लेगा और उस पूरे एरे को सॉर्ट करेगा। तो फंक्शन होगा हमारा मर्ज सॉर्ट, इसके अंदर एरे पास कर दो और लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स पास कर दो। इसका काम होगा लेफ्ट से लेकर राइट तक के बीच में इस एरे को सॉर्ट करना। तो ये करेगा क्या, पहले चेक करेगा, मैंने आपको जैसे बताया आपका पहले एरे सब एरे में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरे को सब एरे में तोड़ना है, लेकिन अगर आपका सब एरे फर्दर टूट ही नहीं सकता तो कोई फायदा नहीं तोड़ने का। तो इसका मतलब अगर आपके एरे के अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट है तभी आपको काम करना है। 2 एलिमेंट चेक करने का तरीका क्या है कि इफ एल इज लेस देन आर, अगर ऐसा है, अगर लेफ्ट राइट से छोटा है तब इसका मतलब पक्का इसके अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट है। तब आपको क्या करना है, आपको करना है पहले मिडल एलिमेंट फाइंड करो, ठीक है। मिडल इंडेक्स कौन सी है? तो मिडल इंडेक्स कैसे मिलेगी हमें, तो इंट मिड इक्वल्स टू एल प्लस आर बाय 2, राइट। ये आपको मिडल एलिमेंट ला के दे देगा, एल प्लस आर बाय 2, इससे आपको मिडल एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 प्लस 6 विच इज 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3, तो 0 ये आपको मिड में आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपको 0 से लेकर 3 तक अपना मर्ज सॉर्ट चलाना है। तो मर्ज सॉर्ट लेफ्ट से लेकर मिड तक चलाना है, और उसके बाद अगला मर्ज सॉर्ट चलाना है हमें मिड प्लस 1 से लेकर राइट तक, ठीक है। तो आपका ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा, राइट वाला पार्ट यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट को हमने सॉर्ट कर दिया, लेफ्ट वाले पार्ट ने हमें सॉर्ट करके ये रिजल्ट ला के दे दिया। सपोज करो लेफ्ट वाला पार्ट हमने चलाया और उसकी हेल्प से इस फंक्शन कॉल ने कुछ भी करके हमें ये वाला पार्ट जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसको सॉर्ट कर दिया इसने, ठीक है। मर्ज सॉर्ट फंक्शन है, मर्ज सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट करता है। तो इसने अपने आप सॉर्ट कर दिया, मत सोचो क्या सॉर्ट किया, सपोज करो बस इसने सॉर्ट कर दिया। इसका काम था सॉर्ट करना यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट को, इसने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा सॉर्ट हो गया 4, 6, 7, 9। अगली कॉल की हमने मिड प्लस 1 से लेकर राइट तक के लिए, ठीक है। तो इसने मिड प्लस 1 से लेकर राइट तक के लिए काम कर दिया, अपना सॉर्टिंग का काम था इसका, सॉर्ट कर दिया इसने इतने एरे को, सॉर्ट कर दिया 1, 3, 5 को। अब हमारा काम क्या, अब हमारा काम है इन दोनों को मर्ज कर देना। इन दोनों को मर्ज कर देंगे अगर हम, तो हमारा पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगला काम है हमारा, एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम मर्ज, और उसका काम कुछ नहीं है, ये क्या करेगा, एरे लेगा और ये दो सब एरे को आपस में मर्ज कर देगा। ये मर्ज कैसे कर रहा है इसका लॉजिक हम बाद में लिखेंगे अभी, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि ये मर्ज करता है और फाइनली ये ए एरे को पूरा का पूरा सॉर्ट कर देता है। तो इसका काम होगा ये लेगा लेफ्ट, ये लेगा मिड, ये लेगा राइट, और ये
लेफ्ट से लेकर मिड तक को और मिड प्लस वन से लेकर राइट तक को आपस में मर्ज कर देगा और फाइनली ए आपका सॉर्ट कर देगा एल से लेकर आर तक के बीच में, ठीक है। इसका काम इतना सा है बस। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दोगे इफ को यहाँ पर, और उसके बाद अपना मर्ज सॉर्ट यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा। तो इतना सही था आपका मर्ज सॉर्ट का कोड, और मर्ज सॉर्ट इतने के अंदर ही हो जाता है। बाकी सारा का सारा जो लॉजिक है वो मर्ज के अंदर लिखा हुआ है, वो भी हम देखेंगे कैसे करके आप मर्ज करने वाले हो। लेकिन मैंने आपको मर्ज का लॉजिक भी पूरा पूरा बता दिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था शुरुआत में, आपको याद होगा तो, कि आपको दो पॉइंटर लेना है। एक पॉइंटर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा आई सपोज करो, यहाँ से आपका जे स्टार्ट होगा, और आई और जे में से जो भी एलिमेंट छोटा है उसको पहले लिख दिया, उसके बाद जो भी आपको पहले मिला उसको आपने प्लस प्लस कर दिया। जैसे वन और फोर में से छोटा कौन सा है, वन छोटा है, वन को लिख दिया और जे को प्लस प्लस कर दिया, जे अब आ गया यहाँ पर। आई और जे में से छोटा कौन सा है, अगेन जे वाला छोटा है तो इसको लिख दिया यहाँ पर, जे प्लस प्लस कर दिया, जे आ गया आपके यहाँ पर। अब आई और जे में छोटा कौन सा, आई छोटा है, आई को लिख दिया और आई प्लस प्लस कर दिया। इस तरीके से करते चलेंगे जब तक कि कोई दोनों में से एक एग्जॉस्ट ना हो जाए, और जैसे ही दोनों में से कोई एक एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद सारे एलिमेंट लिख दिए। जैसे यहाँ पर हमारा सिक्स और फाइव में छोटा कौन सा, फाइव छोटा है, फाइव लिख दिया, जे प्लस प्लस हो गया। अब जे पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके बाद आई के इसके जितने भी एलिमेंट है सबके सब लिख दिया ऐसे कैसे ही, तो सिक्स सेवन नाइन। तो क्योंकि आपके दोनों पार्ट सॉर्टेड थे इसलिए इनको मर्ज करना बहुत ही आसान था। तो अब इसको देखते हैं, इस वाले कोड को रन करके देखते हैं पहले इसके अंदर, उसके बाद मैं मर्ज का लॉजिक लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करते हैं। मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल किया मैंने, ये एरे है ए, ठीक है, और इसके लिए मैंने एल टू आर मतलब कॉल किया इसे मैंने मर्ज सॉर्ट एरे ए। एल मैंने पास किया इसके अंदर जीरो और आर मैंने पास किया इसके अंदर सिक्स, ठीक है। ये फंक्शन मैंने कॉल किया इसके अंदर और आप देखते हैं किस तरीके से काम होने वाला है इसका। तो सबसे पहले ये चेक करेगा एल लेस देन आर है क्या, जीरो लेस देन सिक्स है, हाँ सिक्स से छोटा है, इसका मतलब एरे के अंदर एटलीस्ट दो एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे। मिड होगा हमारा एल प्लस आर बाय टू, तो मिड हो जाएगा हमारे यहाँ पर जीरो प्लस सिक्स विच इज सिक्स डिवाइड बाई टू विच इज थ्री, तो मिड हो गया हमारा थ्री। तो हमने मर्ज सॉर्ट कॉल कर दिया जीरो से लेकर थ्री तक के लिए, तो हमने जीरो से लेकर थ्री तक के लिए कॉल कर दिया आपको, मतलब हमारे एरे के अंदर है नाइन फोर सेवन सिक्स, ठीक है। तो इतने पार्ट के लिए हमने कॉल कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आया उसके लिए हमने कॉल कर दिया, अब हमारा यहाँ से ये यहाँ पर आ चुका है। अब हम दोबारा से इसके अंदर आएंगे, ठीक है। मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल हुआ है हमारा, इस बार हमारा जीरो से लेकर थ्री तक के लिए कॉल हुआ है। तो क्या जीरो छोटा है थ्री से, हाँ छोटा है जीरो थ्री से, तो इसका मतलब मिड निकालेंगे। मिड होगा हमारा जीरो प्लस थ्री बाय टू विच इज थ्री बाय टू मतलब वन। तो जीरो से लेकर वन तक हमारा एक एरे होगा और ये वाला आपका दूसरा एरे होगा, ठीक है। तो नाइन और फोर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल होगा नाइन फोर जीरो वन, ठीक है। तो ये मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन दोबारा कॉल होगा। अब यहाँ पर आएंगे जीरो से लेकर वन तक के लिए। अब हमारा एल छोटा है आर से, हाँ जीरो छोटा है वन से, तो मिड निकालेंगे। मिड होगा हमारा जीरो प्लस वन बाय टू विच इज जीरो, तो हमारा मिड हो जाएगा जीरो। तो मैं आऊँगा यहाँ पर और मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा मैं जीरो से लेकर जीरो तक के लिए। तो अब मेरे पास इसके अंदर, इस वाले मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन के अंदर सिर्फ नाइन है, ठीक है। जीरो से जीरो के लिए मैंने कॉल कर दिया इसको। अब L और R दोनों जीरो है, तो क्या इफ L इज लेस देन R, ऐसा नहीं है, L लेस देन R नहीं है, तो इसका मतलब हम वापस आएंगे अब, ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस और अब ये वाली कॉल तो हो गई, अब इस वाली कॉल में आ जाएंगे इस वाले के लिए। अब हम कॉल करेंगे मिड प्लस वन से लेकर R तक के लिए। तो मिड जीरो, आपको याद होगा मिड यहाँ पर जीरो था, मिड प्लस वन हो जाएगा वन, वन से लेकर वन तक के लिए कॉल करेंगे इसे। तो ये होगा वन से लेकर वन तक के लिए और यहाँ पर आपका एलिमेंट है फोर। अब फोर के लिए अगेन कॉल होगा, यहाँ पर एल और आर दोनों वन है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर जाएगा नहीं, यहीं से आपका बैक कर जाएगा। तो यहाँ से भी आपका बैक कर जाएगा ये। अब यहाँ से क्योंकि बैक कर गया तो अब क्या होगा, यहाँ पर अब ये वाली फंक्शन भी कॉल हो चुका है। अब हम मर्ज वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। मर्ज वाला फंक्शन क्या करता है, इन दोनों सब एरेज को उठाता है और इन दोनों को मर्ज कर देता है आपस में, और ऐसे तरीके से मर्ज करता है कि ये दोनों सॉर्ट हो जाते हैं। तो फोर आएगा आपका यहाँ पर और नाइन आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये मर्ज वाला लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ये पूरा कोड करूंगा, लेकिन हमें समझ में आ गया कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं जिससे कि ये दोनों पार्ट सॉर्ट हो जाएं। तो हमारा फोर आ गया यहाँ पर, नाइन आ गया यहाँ पर, इसका मतलब जीरो से लेकर वन वाला पार्ट हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम इसके लिए कॉल करते हैं मिड प्लस वन से लेकर आर के लिए। तो हमारा यहाँ पर मिड था वन, तो अब हमारा कॉल हो जाएगा ये टू से लेकर थ्री तक के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेवन एलिमेंट है, यहाँ पर हमारा सिक्स एलिमेंट है। अगेन हम कॉल करेंगे यहाँ पर सेवन, यहाँ पर सिक्स, उसके बाद ये दोनों ऊपर जाएंगे, देन ये दोनों आपस में स्वॉप हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स आएगा यहाँ पे, सेवन आएगा हम यहाँ पे। तो अब ये दोनों, ये वाला पार्ट भी हमारा शॉर्ट हो चुका है, ये वाला पार्ट भी हमारा शॉर्ट हो चुका है, ये दोनों हमारे कॉल हो चुके हैं। अब मर्ज कॉल करेंगे इसके लिए। अब ये मर्ज कैसे कॉल करेगा, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को आपस में शॉर्ट कर देगा। तो फोर और सिक्स में से छोटा कौन सा है, फोर छोटा है तो फोर आएगा यहाँ पर, देन नाइन और सिक्स में से छोटा कौन सा है, सिक्स छोटा है तो सिक्स आएगा आपका यहाँ पर, देन सेवन और नाइन में छोटा कौन सा, सेवन तो सेवन आएगा यहाँ पे, देन बचा हुआ नाइन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हो, ये वाला पार्ट जीरो से लेकर फोर तक वाला पार्ट आपका शॉर्ट हो चुका है, फोर सिक्स सेवन नाइन, इतना पार्ट आपका शॉर्ट हो चुका है। और इस वाले को आपने कॉल कर दिया इसके लिए, पूरे वाले के लिए आपने एल से लेकर मिड कॉल कर दिया। अब आपका मिड प्लस वन से लेकर आर तक कॉल करना है,
तो अब यहाँ पे कॉल आएगी 315 के लिए, 315 के लिए कॉल आएगी, ये होगा आपका 456. अब आपका मिड क्या होगा, मिड होगा एल प्लस आर बाई टू, तो 4 + 6 विच इज 10/2 विच इज 5, तो मिड आ गया आपका 5. अब आपका 4 से लेकर 5 तक के लिए कॉल होगा 3 1 4 5, और अगला होगा मिड प्लस 1 से लेकर आर, तो मिड प्लस 1 होगा 6 2 6, तो आपका अगला होगा सिर्फ 5. तो इस वाले के अंदर सिर्फ 5 होगा, ठीक है, ये वाला यहीं पर रुक जाएगा. अगला वाला यहाँ पे कॉल होगा 4 + 5 / 2 विच इज 9/2 विच इज 4, तो 4 से लेकर 4 तक के लिए कॉल करेंगे एक हम, तो यहाँ पर आएगा आपका 3, यहाँ पर आएगा आपका 1, ये होगा 3, ये होगा 1, जब ये हो जाएगा तो मर्ज कर देंगे इसके लिए. अब मर्ज करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये तब है जब हम ऊपर जा रहे हैं. अब ये हो गया 1 3, ये आपका 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे एल लेस देन आर नहीं है, तो यहीं पे यहीं रुक जाएगा ये. उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मर्ज करेंगे अब हम, तो 1 3 और 5 इन दोनों को मर्ज करते हैं यहाँ पर. तो 1 और 5 में छोटा कौन सा, 1 छोटा है, तो 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर. देन 3 और 5 में छोटा कौन सा, 3 छोटा है, तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर. फिर बचा 5 आपका जाएगा यहाँ पर. तो अब देख लो, राइट वाला पार्ट ही आपका सॉर्ट हो चुका है, लेफ्ट वाला पार्ट ही आपका सॉर्ट हो चुका है. उसके बाद अब बस मर्ज कर दें इन दोनों पार्ट को, तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं हम. तो 4 और 1 में से छोटा कौन सा, 1 छोटा है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर. 3 और 4 में छोटा कौन सा है, 3 छोटा है, 3 लिख देंगे यहाँ पर. 5 और 4 में छोटा कौन सा है, 4 छोटा है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर. 6 और 5 में छोटा कौन सा है, 5 छोटा है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर. देन बचे हुए सारे एलिमेंट 6 7 9 ऐसे कैसे लिख देंगे, 6 7 9. ये जो छोटे वाला लॉजिक अगर समझ में ना आया तो अभी मैं कोड करने वाला हूँ मर्ज वाला फंक्शन, ठीक है. लेकिन ऐसे ही आपका मर्ज सॉर्ट काम करता है. आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आपका पूरा पूरा मर्ज सॉर्ट काम कर रहा है. तो अब मैं ये मर्ज वाला फंक्शन यहाँ पर लिखने वाला हूँ. तो इस मर्ज वाले फंक्शन काम क्या है, ये एक एरे ले रहा है, देन लेफ्ट मिड और राइट 3 पॉइंटर ले रहा है, ठीक है, लेफ्ट मिड और राइट. और इसका काम है, ये सपोज करके चल रहा है कि लेफ्ट से लेकर मिड वाला एरे और मिड प्लस 1 से लेकर राइट वाला एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, ये सपोज करके चल रहा है. और इसका काम अब क्या है, इस दोनों पार्ट को आपस में सॉर्ट करके ए वाले एरे को सॉर्ट कर देना, ठीक है. तो ये सपोज करके चल रहा है क्योंकि इसने पहले ही आपने पहले लिख दिया मर्ज सॉर्ट लेफ्ट टू मिड. इसका मतलब सपोज करके चल रहा है कि लेफ्ट से मिड वाला एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, और आपने कॉल कर दिया मिड प्लस 1 से लेकर राइट. इसका मतलब मिड प्लस 1 से लेकर राइट वाला एरे भी ऑलरेडी सॉर्टेड है. तो इसका काम क्या है, इन दो सॉर्टेड एरे को बस आपस में मर्ज कर देना, ठीक है, इसलिए इसका नाम है मर्ज. अब इसका काम है मर्ज, तो अब ये मर्ज करेगा. मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा एरे बना लेंगे, एक दूसरा एरे बी, और उस बी वाले एरे के अंदर हम अपना सारा सारा काम करने वाले हैं. उसके बाद फिर बी वाले एरे को ए वाले एरे के अंदर कॉपी कर देंगे, ठीक है. तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले तो एक पॉइंटर्स बना लेते हैं. एक होगा आपका आई पॉइंटर जो कि आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है. एक होगा आपका जे पॉइंटर जो कि मिड से स्टार्ट होगा, मिड प्लस 1 से, ठीक है. और एक होगा आपका के पॉइंटर, और ये के पॉइंटर जो है ना, यही वो पॉइंटर है जो कि आपका बी वाले एरे के अंदर काम आने वाला है, ठीक है. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, और यही होगा जो बी वाले एरे के अंदर फिल कर रहा होगा. तो बी वाला एक एरे हम यहाँ पे बना लेंगे कहीं पे, और बी वाले एरे के अंदर हम सारा सारा काम करने वाले हैं. ओके, तो जब तक वाइल हमारा आई जो है वो लेस देन मिड है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, और साथ में जे जो है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू राइट है, राइट, तब तक हमें क्या करना है, इफ ए आई, मतलब अगर ये वाला एलिमेंट, आई वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट वाले राइट वाले एलिमेंट से छोटा है, मतलब जे से छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट आना चाहिए बी वाले एरे के अंदर. तो बी वाले एरे के जो है वो के इंडेक्स हैं, तो बी ऑफ के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी ऑफ के इक्वल्स टू ए आई, ठीक है. एल्स बी ऑफ के इक्वल्स टू ए जे, ठीक है. तो अगर लेफ्ट वाला पार्ट छोटा है राइट वाले पार्ट से, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर राइट वाला पार्ट छोटा है लेफ्ट वाले पार्ट से, राइट, तो इसका मतलब जे यहाँ पर छोटा है. तो अगर जे छोटा है तो फिर बी ऑफ के अंदर आ जाएगा आपका ए ऑफ जे, अदरवाइज बी ऑफ के अंदर आपका आएगा ए ऑफ आई. ऐसा करने के बाद आपको आई प्लस प्लस कर देना है साथ में. तो यहाँ पर तो हम कर देंगे आई प्लस प्लस, क्योंकि अब आई में अगले एलिमेंट पर शिफ्ट कर जाएंगे, और यहाँ पर क्योंकि हमने जे डाल दिया तो अब जे प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पर. दोनों ही केसेस के अंदर हमें के प्लस प्लस तो करना ही पड़ेगा, तो के प्लस प्लस यहाँ पर कर देते हैं. तो मैं एल्स को ब्लॉक बंद करूँगा, देन के प्लस प्लस,
ठीक है, तो अब बी वाले एरे के अंदर हम आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसा करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक कि दोनों में से कोई भी एक एरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन का मतलब वही है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड जे इज लेस देन इक्वल टू आर, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हम इसके अंदर घुसेंगे। जैसे दोनों में से कोई भी एक एरे पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब दोनों में सब एरे में से एक भी सब एरे एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इसका मतलब अब कुछ नहीं करना, अब बस दूसरे वाले एरे को जो बच गया है उसको बी वाले एरे के अंदर ऐसे कैसे डाल देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हमारे यहाँ पर 679 बच गया था, ठीक है, 679 पूरा बच गया था, तो 679 को हमने ऐसे कैसे ही डाल दिया था, तो यहाँ पर हमारा राइट वाला एरे पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे हम, वो चेक करने का तरीका क्या है कि इफ जो आई है, इफ आई इज ग्रेटर देन मिड, अगर ऐसा हो गया इसका मतलब लेफ्ट वाला एरे पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, राइट, कि आपका जो लेफ्ट वाला पॉइंटर था वो पूरा का पूरा पार हो चुका है, मिड प्लस वन हो चुका है, और अब आपका सिर्फ जो राइट वाला पार्ट है उसको बी वाले एरे के अंदर ऐसे कैसे डाल दो। तो हमें करना क्या है, तो व्हाइल जे इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, जब तक ऐसा है हमें करना क्या है, बी ऑफ जे, बी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ जे, और उसके बाद जे प्लस प्लस और के प्लस प्लस। तो आप चाहो तो यहाँ पर बी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ जे प्लस प्लस लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पर एक के प्लस प्लस और जे प्लस प्लस ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वाइल यहाँ पर लूप खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आई इज नॉट ग्रेटर देन मिड, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है दूसरा वाला एरे, राइट वाला एरे पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हो, तो उस केस में हम यहाँ पे एक एल्स लगा देंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि राइट वाला एरे पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में लेफ्ट वाले पूरे के पूरे एरे को ऐसे कैसे बी के अंदर डाल देंगे। तो एल्स व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू मिड बी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ आई, और उसके बाद फिर के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये दिख रहा हो किस तरीके से काम कर रहा है ये। तो अगर लेफ्ट वाला एरे पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका तो राइट वाला एरे पूरा का पूरा ऐसे डाल दो, अगर राइट वाला एरे एग्जॉस्ट हो गया तो पूरा का पूरा लेफ्ट वाला एरे इस बी वाले एरे के अंदर डाल दो। तो इतना कर लेने के बाद आपका बी वाला एरे पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमारे बी वाले एरे को हमें ए वाले एरे के अंदर ऐसे कैसे कॉपी कर देना है, जिससे क्योंकि हमारा काम तो ए वाले एरे के साथ है ना, बी वाला एरे तो हमने बस ऐसे रेफरेंस के लिए लिया था जिससे कि हमारे एलिमेंट लॉस ना हो जाए। तो अब बी वाले एरे को कॉपी करना है ए वाले एरे के अंदर, तो इसके बाद नीचे के बाद जो भी सारा कोड है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो इसके अंदर हम कर देंगे बस कुछ नहीं, एक फॉर लूप चलाना है बस यहाँ पर, तो फॉर के इक्वल्स टू आपका लेफ्ट, के लेस देन आपका राइट, के प्लस प्लस, और कुछ नहीं करना, ए के अंदर डाल देना सारे एलिमेंट, ए ऑफ के इक्वल्स टू बी ऑफ के, ठीक है। तो ये फॉर लूप आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये मर्ज वाला फंक्शन जो था ये पूरा का पूरा यहाँ पर आके फाइनली यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद इस मर्ज वाले ने अपना काम कर दिया, इस मर्ज वाले ने ए से लेकर लेफ्ट से लेकर मिड और मिड प्लस वन से लेकर राइट वाले जो दो सब एरे थे उन दोनों को सॉर्ट करके वापस ए को पूरा का पूरा सॉर्ट कर दिया। तो मर्ज वाला फंक्शन यहाँ पर काम कर गया पूरा का पूरा, और उसके बाद ये आपका मर्ज सॉर्ट यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देख लेते हैं, कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी है मर्ज सॉर्ट की तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप देख रहे हो हर स्टेप पर आपके एन ऑपरेशन हो रहे हैं, इस वाले स्टेप पर भी आपने एन ऑपरेशन किए हैं, राइट, इस वाले स्टेप पर भी आपने एन ऑपरेशन किया, इस वाले स्टेप पर भी आप एन ऑपरेशन कर रहे हो, इस वाले स्टेप पर भी आप एन ऑपरेशन कर रहे हो, राइट, एटमोस्ट आप एन ऑपरेशन हर स्टेप पर कर रहे हो। तो आपको बस गिनना ही कितने ऑपरेशन कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एन से और आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको गिनना है कितने स्टेप्स हैं तो आपको ऑलरेडी समझ में भी आ गया कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे, अगर आपका डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू होता रहता है तो आपके लॉग एन स्टेप्स आते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है एक बार क्विक सॉर्ट के अंदर कि आपका अगर एन डिवाइड बाय टू की पावर के कभी भी वन हो जाता है तो आपका के यहाँ से लॉग एन निकल के आता है, राइट। तो यहाँ से आपका लॉग एन स्टेप्स आ गए, इसका मतलब लॉग एन स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे आपके एन ऑपरेशन हो रहे हैं। एन ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ सब एरे है, यहाँ पर कुछ सब एरे है, इन दोनों को आपस में स्वाप करना, इन दोनों को आपस में मिलाना, ये आपका एन ऑपरेशन लेता है, राइट, पूरा ओ ऑफ एन जाना पड़ता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो इन दोनों को करोगे, इन दोनों करोगे, साथ में इन दोनों करोगे, इन दोनों करोगे, तो टोटल आप एन तो कर ही रहे हो, हर स्टेप पे आप एटलीस्ट एन तो कर रहे हो, मतलब एटमोस्ट एन कर रहे हो। तो आपको बस गिनने थे कितने स्टेप्स हैं, हमने गिन लिए कि आपका यहाँ से आता है लॉग एन, इसका मतलब लॉग एन स्टेप्स हैं हमारे पास, और लॉग एन को मल्टीप्लाई कर देना है एन से तो हमारे पास टोटल ऑपरेशन आ जाएंगे, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी एन लॉग एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसकी बिग ओ ऑफ एन लॉग एन,
ये आपकी वर्स्ट केस की, एवरेज केस की, बेस्ट केस की, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन लॉग एन ही आती है। तो ये इसकी खास बात होती है। क्विक सॉर्ट के अंदर क्या होता है, क्विक सॉर्ट के अंदर आपकी वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एन स्क्वायर आती है, यहाँ पर हमेशा आपकी एन लॉग एन आएगी। आपका एरे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड भी होगा तो भी आपका एन लॉग एन ही आएगा। तो ये हो गया आपका मर्ज सॉर्ट यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद हम मूव कर रहे होंगे सर्चिंग के अंदर, मतलब बाइनरी सर्च वगैरह देख रहे होंगे हम, ठीक है। तो ये वाली वीडियो अगर पसंद आई तो यहाँ लाइक कर देना, कर देना चलो सब्सक्राइब। मैं बोलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।